आरएसएस और भाजपा भारत की अर्थव्यवस्था जानबूझकर बर्बाद कर रहे हैं। विश्वविख्यात अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि इंडिया आर्थिक तबाही के मुहाने पर खड़ा है। देश की जीडीपी 8.5% से शून्य पर आ चुकी है। यूएनओ चेतावनी दे रहा है कि इंडिया के आधे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 52 करोड़ गरीब जो रोज कमा के खाते थे, वो आज भुखमरी के कगार पर खड़े हैं, क्योंकि आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक एमएस गोलवलकर की पुस्तक वी और अवर नेशनहुड डिफाइंड को पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना आरएसएस का मुख्य मकसद है। गोलवलकर ने लिखा है कि सत्ता में हमेशा रहने के लिए 95% देश को बर्बाद करना जरूरी है। गोलवलकर के नियम के अनुसार 95% देशवासियों को गरीब बनाया जाता है और चंद गुलाम किस्म के लोगों को ही सर्वशक्तिमान बना दिया जाता है। ऐसा करके हमेशा के लिए सत्ता को हथियाया जा सकता है। एक अच्छे प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके राज्य में जनता की आमदनी कम से कम रहे। धनवान नागरिकों पर नियंत्रण करना कठिन होता है, इसलिए देश की दौलत ऐसे लोगों के हाथ में केंद्रित कर दी जानी चाहिए जो प्रशासक के प्रति वफादार हों। नोटबंदी, जीएसटी, बैंकों के बढ़ते एनपीए, पीएमसी, सरकारी कंपनियों को बेचना, रोजगार खत्म कर देना, दंगे करवाकर अरबों खरबों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, संविधान को बदल कर कमजोर कर देना, ये सब एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 18 तक रोज 1095 अमीर भारतीय देश छोड़कर विदेशों में बस रहे हैं। जरा गौर करो कि देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है और सरकार के चेहरे पर शिकन भी नहीं है। वही जो गोलवलकर ने कहा कि देश को कमजोर करके बर्बाद कर। गोलवलकर के वचन की कसौटी पर सरकार की आर्थिक नीतियों को कसकर देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि झोल कहाँ है। जय हिंद, वंदे मातरम।